एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली विद प्रिया। में कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक शॉपिंग हॉल, जिसे कि मैंने मीशो से की है और काफी अफोर्डेबल प्राइस पे सारी शॉपिंग हुई है, जिसे आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जितने भी नए लोग हैं जो मेरा अभी वीडियो ये देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि और भी ऐसे वीडियोज आने वाले हैं और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो वो वीडियो आप लोगों से कहीं छूट ना जाए। तो इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और मेरे चैनल को 3 महीने भी पूरे हो गए हैं, कल हो जाएंगे। और इतने कम समय में इतने अच्छे सब्सक्राइबर मिलना मुश्किल है, और आप लोगों ने इसमें मेरा साथ दिया है और मेरे वीडियोस को देखा भी है और लाइक भी किया है, कमेंट भी किया है, और इसके लिए मैं आप लोगों को दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप लोग हमेशा मेरा इसी तरह साथ देंगे, तो इसके लिए बिग थैंक्स मेरी तरफ से। और हमेशा इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और जितने नए लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियोज को देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मेरे और भी वीडियोस आपको मालूम चलते रहेंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि क्या क्या शॉपिंग की है मैंने मीशो से। सबसे पहली शॉपिंग जो है वो मैंने एक इयररिंग्स लिए, काफी अच्छी इयररिंग्स है। वो ये इयररिंग्स है, मीनाकारी इयररिंग्स है, इस पे काफी अच्छा पर्ल का काम किया हुआ है और ये मैंने रानी कलर में लिए है। इसमें पूरा मीनाकारी वर्क है और इसमें और भी कलर अवेलेबल है। ये मुझे 300 कुछ समथिंग पड़ी है और काफी अफोर्डेबल प्राइस पे। एक्चुअली इसे आप कहीं बाहर से लेंगे तो ये काफी आपको एक्सपेंसिव मिलेगी, बट मीशो में ये काफी अच्छे रेट पे मिल गई मुझे, तो मैंने इसमें ये कलर लिया है। और भी कलर है, मैं वो भी जरूर लूंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं एक्चुअली चेक करने के लिए मैंने एक ही इयरिंग मंगवाई कि पता चल जाएगी किस तरह की इयरिंग आती है, तो आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉपिंग है मेरी वो भी काफी अच्छी है। मैंने एक ब्लाउज खरीदा है मीशो से और काफी अच्छा मेरे को ब्लाउज ही मिला और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली इस पे सीक्वेंस वर्क किया हुआ है पूरा और काफी कंफर्टेबल है, मैंने इसे पहन के देखा है, काफी अच्छा लग रहा है और फ्री साइज में मिला है। एक्चुअली ये आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं और ये मुझे 360 या 370 कुछ पड़ा है, और इतना रेंज तो इतना जो चार्ज होता है हम स्टिचिंग में ही दे देते हैं कहीं बुटीक में अगर हम ब्लाउज सिलवाते हैं, और उतने में पूरा ब्लाउज मिल रहा है, वो भी पैडेड ब्लाउज है और काफी अच्छा भी है। आप लोग इसे भी चेक कर सकते हैं, इसे भी आप किसी भी साड़ी के साथ पेयर करिए तो ये काफी अच्छा लगेगा दिन में या रात में। इसमें और भी कलर अवेलेबल है, आप लोग चाहे तो वो भी चेक कर सकते हैं। मैंने एक और कलर मंगवाया है, अभी आया नहीं है मुझे, रिसीव होगा तो मैं उसका भी वीडियो लेके आऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा जब भी शॉपिंग करती हूँ तो मैं एक ही चीज मंगवाती हूँ और चेक करती हूँ कि ये कैसी आ रही है, और जब अच्छी आ जाती है तो नेक्स्ट उसका जरूर शॉपिंग करती हूँ। तो ये सेकंड शॉपिंग है जो कि काफी अच्छी है और काफी रीजनेबल प्राइस पे मुझे मिली। इसके बाद जो मैंने शॉपिंग की है वो मैंने एक साड़ी ली है, काफी अच्छी साड़ी है ये, ब्लैक कलर की, और इसमें बॉर्डर पे काफी अच्छा थ्रेड वर्क किया हुआ है, मिरर वर्क भी है, बीच बीच में भी काफी अच्छा फ्लावर्स बनाए हुए हैं, पल्लू में भी टेसल्स वर्क किया हुआ है, और कलर इतना अच्छा है इसका कि ये बहुत ही अच्छी लगेगी, किसी भी अच्छे फंक्शन या पार्टी में आप इसे पहन सकते हैं। इसे मैंने रेड कलर के ब्लाउज के साथ पेयर किया है क्योंकि और भी प्लेन है वो, क्योंकि इसमें इतना वर्क है, इतना हैवी काम दिखता है कि आप इसे अगर प्लेन ब्लाउज के साथ ही पेयर करें तो ज्यादा अच्छा लुक आएगा। आप इसे ब्लैक कलर के ब्लाउज के साथ भी पेयर कर सकते हैं तो भी अच्छा लगेगा, और इसमें और भी कलर अवेलेबल है, आप लोग उसे भी चेक कर सकते हैं, ग्रीन है, येलो है और वाइट है, और भी बहुत सारे कलर है। मैंने एक्चुअली ब्लैक लिया, मुझे ब्लैक ज्यादा अच्छा लग रहा था, आप लोग दूसरे कलर भी ले सकते हैं। इसका भी कोड जो होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ये मुझे 560 की कुछ पड़ी है जो कि काफी कम रेंज पे है और काफी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगी आपको मीशो से। तो चलिए देख लेते हैं कि ये साड़ी कैसी लग रही है।
ये वाली साड़ी अच्छी लगी है तो जरूर ट्राई करिएगा, और काफी कम रेंज पे भी है, आप लोग से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉपिंग भी मेरी साड़ी है, क्योंकि मुझे साड़ी में काफी शौक है, मैं साड़ी कलेक्शन जरूर करती रहती हूँ, और हम लोगों की आदत भी है, हमारे पास कितनी भी साड़ियां रहे हमें साड़ियां काफी अच्छी लगती हैं। और एक्चुअली साड़ी ऐसी चीज है कि आपको हर जगह यूज भी हो जाएगी, आप उसे हमेशा पहन भी सकते हैं। तो जो नेक्स्ट साड़ी है वो मेरी ये साड़ी है। ये साड़ी जब आई थी तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं पहनने के बाद कैसी लगेगी, और काफी लाइट वेट है ये साड़ी, बहुत ही लाइट है, पहनने के बाद पता ही नहीं चल रहा था। और इसमें पूरा फ्लोरल प्रिंट है बड़े बड़े, और ये एवरग्रीन साड़ी रहती है, ऐसी साड़ियां आपको हमेशा काम आती है। ये देख लीजिए ये साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। और इसके साथ मैंने जिस ब्लाउज को पेयर किया है वो ये ब्लाउज है, रेड कलर का ब्लाउज है, बहुत ही परफेक्ट पेयर हो गया, क्योंकि मुझे लगा शायद स्टिच करवाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ये ब्लाउज रखा हुआ था तो ये इजिली इसके साथ पेयर हो गया, काफी अच्छा भी लग रहा है। आप लोगों को मैं पहन के दिखा दूंगी ये कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को ये ब्लाउज अच्छा लगेगा तो इसका भी मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगी, ये मैंने अमेजोन से खरीदा है और ये ब्लाउज मुझे बहुत यूज आता है, बहुत जगह साड़ियों के साथ मैं इसे पेयर कर लेती हूँ। तो अगर इस तरह का ब्लाउज आपके पास है तो आप लोग इसे इजिली किसी भी अच्छी साड़ी के साथ पेयर कर सकते हैं। तो ये साड़ी मुझे 800 कुछ 78 रुपीज की कुछ पड़ी है, मैंने इसे मीशो से 878 में परचेस की है। आप लोग चाहें अगर आप लोगों को ये साड़ी अच्छी लगेगी तो इसे भी आप परचेस कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये साड़ी कैसी लग रही है। अगर अच्छी लगी तो आप लोग जरूर इसे परचेस कर सकते हैं मीशो से, और काफी अफोर्डेबल प्राइस पे है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी। इवन जितनी भी चीजें मैंने मीशो से आज शॉपिंग की है वो मैंने आप लोगों को दिखाई है, वो सारी चीजें काफी अच्छे रीजनेबल प्राइस पे मुझे पड़ी है। तो ये सारी चीजें आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, और इसका मैं जितनी भी चीजों का कोड होगा नीचे शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक कर सकते हैं। और इनमें से कोई चीज अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे भी लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर नए लोग जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नीचे जो बेल आइकन आता है उसे भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। और अपने भी सजेशन दीजिएगा, क्योंकि मुझे अब जरूरत है ऐसे सजेशंस की कि किस तरह की वीडियोस आप लोगों को चाहिए। वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे वीडियोस लेके आऊँ, और एक्चुअली ऐसा टाइम है कि मुझे उतना मौका नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप चिंता मत करिए, आने वाले टाइम में मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करूंगी, और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे भी लेके आऊंगी, ताकि सेम टॉपिक अगर रहता है तो हम थोड़े बोर हो जाते हैं, अगर अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस देखते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को हमेशा मेरे चैनल से कुछ नई नई चीजें देखने के लिए मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा बाय बाय।